पीएम ने यूएन में पीस कीपिंग मिशन पर हमले का मुद्दा उठाया है। दो बीएसएफ जवानों की शहादत पर पीएम ने यूएन महासचिव गुटेरेस से बात की और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यह हमला कांगो में शांति मिशन पर हुआ था, जहां भारत के कुछ सुरक्षाकर्मी यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात हैं। यूएन महासचिव ने दो भारतीय जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया और हमले की निंदा की। उन्होंने दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीएम मोदी आज विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। डीएलएसए यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की बैठक को नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आयोजित किया है, जिसका मकसद आम आदमी को सस्ता न्याय दिलाना है। आज जेपी नड्डा मिशन बिहार पर होंगे। नड्डा पटना में रोड शो करेंगे। इसके बाद बिहार बीजेपी की भी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। कल बैठक के समापन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके जेपी नड्डा रोड शो करते हुए गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा तक पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष होटल मौर्य में आयोजित ग्राम संसद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पटना विश्वविद्यालय भी जाएंगे, जहां उन्हें पढ़ाने वाले तथा वर्तमान शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द हो जाएगा। शिंदे गुट के साथ मंत्री पदों और विभागों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही दिल्ली आ सकते हैं। उन्होंने पिछले 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायकों से चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से 20 मंत्री पद की मांग की गई थी। 15 से 17 मंत्री पद बीजेपी हाईकमान देने को राजी है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। दरअसल शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पीएफआई चंदा इकट्ठा कर मुस्लिम युवकों को असामाजिक गतिविधियों की ट्रेनिंग देता है। खुलासा तेलंगाना पुलिस के केस डायरी से हुआ है। मुस्लिम बहुल मोहल्लों और मदरसों में मार्शल आर्ट, कुंग फू और पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इतना ही नहीं, पीएफआई ने दक्षिण भारत में अपने 200 से ज्यादा कैडर्स तैयार कर लिए, जिनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इस सनसनीखेज दस्तावेज के सामने आते ही हिंदुस्तान की तमाम खुफिया और पुलिस एजेंसियां चौकन्नी हो गई। आतंक के इस मॉड्यूल पर गहरी चोट के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसकी एक कॉपी आज तक के हाथ लगी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मिले सबूत पर्याप्त हैं। कोर्ट के मुताबिक पेश किए गए सारे सबूत आप नेता के खिलाफ हैं।